पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में बहन के अवैध संबंध के चलते एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। नाले में लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की इस गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि शुक्रवार को त्रिलोकपुरी के मदर मैरी स्कूल के पास नाले में एक शख्स का शव पड़ा होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर LBS अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया और हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए SCP सुनील कुमार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO कल्याणपुरी सुभाष कुमार, इंस्पेक्टर ऋषिकेश, SI नवीन कुमार, SI अभिषेक गुलेरिया, SI सचिन, कांस्टेबल बलबंत, रूप सिंह, महासिंह, रोहित और सचिन शामिल हुए। जांच के दौरान मृतक की पहचान करने के प्रयास शुरू किए गए। प्रयासों के दौरान ये पाया गया कि कल्याणपुरी थाने में पहले से पहचान वाले एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने आई। लापता व्यक्ति के रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, जिन्होंने मृतक की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी 30 वर्षीय नरेश के रूप में की। इसके साथ ही टीम ने घटनास्थल पर और उसके आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला तो CCTV फुटेज में 4 व्यक्तियों को मृतक नरेश के साथ झगड़ा करते हुए और मृतक के शरीर को खींचते हुए देखा गया। देखे गए 4 व्यक्तियों की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी संजीव, योगेश और यूपी के शाहजहांपुर निवासी सुखबीर के तौर पर हुई, जबकि चौथा आरोपी 13 वर्षीय नाबालिग निकला। आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी कर संजीव और योगेश नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 13 वर्षीय आयु के एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी व्यक्तियों की निशानदेही पर अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार यानी कि पत्थर और डंडे भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों में से एक की बहन का मृतक नरेश से अवैध संबंध था। आरोपियों को बहन से दूर रहने के लिए लगातार कह रहा था, लेकिन वह नहीं माना, जिससे नाराज होकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को नाली में ठिकाने में लगा दिया। बहरहाल पुलिस आरोपी सुखबीर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।